क्या हुआ है? बोर हो रहे हो घर? मैं भी बोर हो रहा हूँ यार। चलो कश्मीर घूमने चलते हैं। चलें? पैंट शर्ट लेने आया, निकलना था हमने, हम क्या कर लो इसका। आए नहीं थे भाई। ऑल रेडी, गेट सेट एंड गो। ये वलीदा, ये SHO, ये केश, वो पीछे राणा है, किधर राणा है? राणा है मैं ढोलका। अभी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है भाई। अभी इधर स्काईवेज में हम देख रहे थे तो टीवी ऑन हो गया, तो मैंने कहा चलो मूवीज देखते हैं। इसमें मूवी देखो कौन सी है पहले, इत्यादि कुछ भाई पता नहीं क्या मूवी है। सब शो खत्म हो गया। सब ये क्या रीच्ड इस्लामाबाद। ऐसा कौन सा बंदा है जिसकी सारे रास्ते बिस्ती हुई है? अकेश पावे कमेंट्स से कोई और भी सीखा। अभी रात के ऑलमोस्ट 12:30 हो रहे होंगे और हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ, तो देखते हैं रात का सफ़र कैसा गुजरता है। कौन सी जगह है ये? राड़ा, मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद राड़ा पहुंच चुके हैं हम, और अभी सुबह के मेरे ख्याल से 6:30 बज रहे हैं और हम रात के ट्रैवल कर तकरीबन 12 घंटे हो गए मैं नॉन स्टॉप ट्रैवल करते हुए। SHO फोटोग्राफी चल रही है मोबाइल से, और ये अकेश। अभी हमारे एक मशीन लेगी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी ढोलके की, वो थोड़ा सा ईजी होने गया। साकिब भाई का और हमारा सफर यहीं तक था, और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ओडंगकेल। SHO साहब अपडेट करो आवाम को, क्या सीन है आगे? भाई अभी जाना है हमने ओडंगकेल बजरिया चेल, अब देखो क्या हाइकिंग। कितने घंटा सफ़र किया हमने? 22-23 घंटे। तो बाबा जी तकरीबन 22 से 23 घंटे लगातार हमने ट्रैवल किया और बीच में से कोई भी नहीं सोया, और अभी हम मजीद आगे जा रहे हैं ओडंगकेल। अभी हम लोग खेल 23 घंटे का सफ़र करके हम लोग खेल आए हैं,
और अभी मज़ीद आगे चेयर लिफ्ट के ज़रिए हम जाएंगे खेल। तो सफ़र तो बड़ा मुश्किल था लेकिन नज़ारे बहुत ही लेवल पोपट चस्से खूबसूरत। तो बाबा जी अभी हम खेल पहुंच चुके हैं और खेल से ऊपर हम लोग जा रहे हैं ओड़ंग खेल। ओड़ंग खेल हम जाएंगे चेयर लिफ्ट से, इधर चेयर लिफ्ट से वॉक करके जाना है, काफ़ी दूर है। फिर चेयर लिफ्ट से दूसरी तरफ जाके आधे घंटे की फिर वॉक है। और ये बाकी नज़ारा आप देख लो, कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। आह जस्सी मोस्ट फाइन। तो बाबा जी आज है डे टू और हम लोग इधर ओड़ंग खेल आए हुए हैं ऊपर टॉप पे, और रात हम लोग इधर होटल में रुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे नीचे, नीचे से हम नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे आगे रत्ती गली। बाकी आप इधर के नज़ारे चेक करो, शश के देखो। रश हो गया जी केल लिफ्ट चेयर लिफ्ट पे। इधर देख ऊपर क्या हो रहा था यार, ऊपर बर्फबारी हो रही थी और नीचे स्नो फॉलिंग हो रही थी। शाह जी इस बात का क्या मतलब है कि ऊपर भी स्नो फॉलिंग हो रही है नीचे बर्फबारी? इसका मतलब ये है कि गुड हो गया। इसका मतलब है बहुत गुड हो गया जी, और ऊपर भी मजे हैं नीचे भी मजे हैं। भाई आपने कुछ कहना? भाई कुछ कह दे, कहना है कि यहाँ पे कोई ना है। अभी ये लोग जो हैं ये तो जा रहे हैं, लेकिन हम चारों का नंबर थोड़ा सा लेट आएगा, तो देखते हैं अभी। Thank you.
आज हम लोगों को तीसरा दिन है और यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं नाश्ता वगैरह करके रद्दी गली, रद्दी गली घूम फिर के फिर आगे का क्या प्लान बनता है अभी तक तो कोई प्लान नहीं बना वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको शायद छोड़ आ रहा हो दरिया का, नहीं भी आ रहा तो मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ इतना ही मज़े का। सीन इस तरह कि हम लोग रत्ती गली पहुँच चुके हैं और रत्ती गली बेस कैंप तक हमारी जीप आई है और बेस कैंप से ऊपर हम लोग अभी हाइक करके जा रहे हैं। मेरी टांगें वैसे जवाब दे चुकी हैं, यकीन मानो खलियाँ नहीं होती खलियाँ वो पड़ चुकी हैं और मेरे में हिम्मत कोई नहीं चलने की, लेकिन फिर भी अल्लाह का नाम लेके चल रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा पहुँच जी घंटा डेढ़ घंटा देर थी भी नहीं हुआ अभी और मेरी और शाहजी की तकरीबन बस हो चुकी है, लेकिन हवाएं और आगे का व्यू देखने के लिए ना चलना ही पड़ना। अब इधर से छोटी झील नीचे है, एक छोटी झील, एक बड़े वाली जो मेन झील है ना वो ऊपर है, तो छोटे वाली जो झील है ना वो तो इधर आ चुकी है। ये हमारे पीछे बहुत ही प्यारी है, बहुत इंतहा की प्यारी है। और बाबा जी जो कहावत बनी हुई है ना कि जिसने जन्नत देखनी है वो कश्मीर आ जाए, 110% बिल्कुल सच्ची कहावत है वो, बहुत खूबसूरत जगह। बाबा जी हम लोग यहाँ वो रत्ती गली के काफ़ी ज़्यादा टॉप पे आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो वो हमने कवर कर लिया और थोड़ा सा एक हिस्सा तकरीबन रह गया, तकरीबन 5 मिनट की हाइकिंग और रह गई है और हम लोग चले जाएंगे उधर। लेकिन यहाँ पे जाना व्यू बहुत प्यारा था, वो झील है और इधर ये थोड़े से गरीब लोग तस्वीरें बनवा रहे हैं और पीछे ये झील वगैरह वो ग्लेशियर वगैरह हैं। बाबा जी पैसे पूरे होते हैं कश्मीर और गुड हो गया, काम का काम आ गया और शुगल का शुगल हो गया, ब्लॉग का ब्लॉग बन गया, एक दिन इसी तरह हम करोड़पति बन जाएंगे। शुगल मेला बनाते रहो, शुगल मेला लगाते रहो।
बाबा जी एक घंटा 45 मिनट की हाइकिंग करके फुल मतलब के ना एंड लेवल व्यू है, मतलब कि मैं मतलब कैमरे में दिखा नहीं सकता आपको, फिर भी आपको मैं थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, चेक करें, मतलब सुभान अल्लाह निकलता है मुंह से, देखते साथ ही सुभान अल्लाह, देखें आप।